हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एनुअल टैक्सोनॉमी के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फिशेज, जो ट्रू फिशेज थी पाइसेस, उनके कैरेक्टरिस्टिक और उनके एग्जांपल्स क्लियर हैं। अब हम लोग एक छोटी सी क्लास और आती है जो स्पेशल है, उसे डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास एम्फीबिया की तरफ चलेंगे। क्लियर है? जो वो क्लास है बीच में छोटी बहुत आती है उसकी बात कर लेते हैं, वो कौन सी क्लास है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं डिप्नोई क्लास की। डिप्नोई क्लास यानी क्लास डिप्नोई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें भी फिशेज आती हैं, और जो फिशेज आती हैं उन्हें कहा जाता है लंग फिशेज। लंग है जी, लंग फिशेज हैं, फेफड़े वाली मछलियां आएगी। ठीक है, इस क्लास को कहा जाता है अंकल ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया का अंकल है ये क्लास, एम्फीबियंस की अंकल की क्लास है, समझ रहे हो। यहां से एम्फीबिया इवोल्व हुए हैं, यहां से एम्फीबियंस की इवोल्यूशन देखी जाती है। क्लियर है, समझ गए? अब देखो इस क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम बात करते हैं। देखो इस क्लास की और कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जैसे ये यूज करते हैं गिल्स एंड लंग्स लाइक स्ट्रक्चर। लंग्स लाइक स्ट्रक्चर दोनों ही चीजें यूज होती है रेस्पिरेशन में, मतलब दोनों ही चीजें प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट इस क्लास की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि इसके अंदर हार्ट तीन चैम्बर्ड मिलता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो कि कैरेक्टरिस्टिक है मिलती जुलती एम्फीबियन से मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, इस क्लास का एग्जाम्पल। तो अगर बात आती है एग्जाम्पल की, तो एक ही एग्जाम्पल है और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो वो एग्जाम्पल कौन सा है, उस एग्जाम्पल का नाम है प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस एक तरह से लंग फिश होती है। ठीक है, और इसे हम लोग बताते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पाइसिस एंड एम्फीबिया का कनेक्टिंग लिंक है। पाइसिस और एम्फीबिया दोनों को कनेक्ट करके रखने वाला लिंक है, समझ गए? प्रोटोप्टेरस, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, गिल्स और लंग्स दोनों यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, अंकल कहलाता है एम्फीबिया का और लंग फिशेज हैं। ठीक है, ये बात हुई क्लास डिप्नोई की। क्लियर है? मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करो और कैरेक्टर्स नोट डाउन कर लो। क्लियर है? चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये तो डिप्नोई क्लास और यहां होती है ये खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्लास एम्फीबिया शुरू करने से पहले एक दो स्पेशल पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास एम्फीबिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो देखो हम लोगों ने कहा था, डिफ्रेंशिएट किया था कॉन्ट्रिक्थीज और ओस्टिक्थीज के बीच में कि उनके अंदर टेल किस टाइप की प्रेजेंट होती है, उनके अंदर टेल का टाइप क्या है, किस टाइप का टेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो देखो डिफरेंस है दोनों के अंदर टेल के स्ट्रक्चर में, किस तरह का, ये एक मछली है। ठीक है, ये एक मछली है। ठीक है, या फिर तुम लोग इस तरह से बना लो या इस तरह से बना लो, थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम बनता है इससे। ठीक है, देखो ये कोई मछली है। ठीक है, अब इसी तरह की मछलियां एक और है, इसी तरह की दूसरी मछली है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी।
यही पढ़ते आए हो ना अब तक। अब मछली जल की रानी क्यों है ये पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो मैंने तीन तरह का टेल का स्ट्रक्चर बनाया है, समझ सकते हो कैसे बनाया है। देखो ये पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के डिफरेंस ही मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ठीक है। किस किस तरह का स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है, तो देखो किस किस तरह की स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो मछली जल की रानी है उसकी इस तरह से तीन टेल मिलती है। ये जो टेल है इस टेल को कहा जाता है प्रोटो सर्कल, प्रोटो सर्कल टेल, ठीक है। जो ये टेल है इसको कहा जाता है हेट्रो सर्कल, हेट्रो सर्कल, और इसको कहा जाता है होमो सर्कल, होमो सर्कल टेल। तो देखो इन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है, यहां तो हमें समझ आ रहा है क्लियर क्लियर डिफरेंस क्या है वो समझ आ रहा है। तो देखो पर अगर बात करूं प्रोटो सर्कल की, ठीक है, और हेट्रो सर्कल की, इनमें डिफरेंस क्या है, कलर का डिफरेंस है? नहीं बे, कलर का डिफरेंस नहीं है, टेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना इसका डिफरेंस है। यहां प्रोटो सर्कल टेल वाले ऑर्गेनिजम्स में ये स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड, जबकि इनके अंदर हेट्रो और होमो सर्कल के अंदर ये स्ट्रक्चर है वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, समझ गए। तो ये है वर्टेब्रल कॉलम, इस बेसिस पे डिफरेंस है इनके अंदर। अब बात करें एग्जांपल्स की कि प्रोटो सर्कल टेल कहां देखने को मिलेगी, तो इसका एग्जांपल आता है, इसका एग्जांपल सबसे सुटेबल एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन फिशेस के अंदर प्रोटो सर्कल टेल देखने को मिलती है। अब बात करें हेट्रो सर्कल टेल के एग्जांपल की, तो वो तुम लोग अभी अभी पढ़ के आए हो, इसका एग्जांपल है कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज, क्लियर है। और बात आती है होमो सर्कल की, तो इसका एग्जांपल भी तुम लोग पढ़ करके आए हो, इसका एग्जांपल है ओस्टिक्थीज, ओस्टिक्थीज, समझ गए। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज, ओस्टिक्थीज, तीनों टाइप की टेल इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, समझ गए। हेट्रो होमो और प्रोटो सर्कल टेल किस किस टाइप की होती है, तो प्रोटो सर्कल टेल में जो टेल है वो एक ही एंडिंग होगी, उसकी एक ही एंड होगी। इसी तरह हेट्रो सर्कल की भी एक ही एंडिंग होगी, बट डिफरेंस क्या है, प्रोटो में नोटोकॉर्ड, हेट्रो में वर्टेब्रल कॉलम, और देखो जो होमो सर्कल है उसमें दो एंडिंग बन जाएंगी टेल की। तो मछलियों का डिफरेंस देखा होगा, कई मछली एक पूंछ वाली होती है ऐसी, कई दो वाली होती है, समझ गए। यही डिफरेंस है, यही टेल का डिफरेंस है। मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, क्लियर है, जल्दी से, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, हो गया। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये है टेल का डिफरेंस, टेल का डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम लोगों ने बात की थी कि जो एयर ब्लडर होता है ओस्टिक्थीज का यानी बोनीफिशीज का, उस एयर ब्लडर यानी बोनीफिशीज में एयर ब्लडर प्रेजेंट है और वो बायोन्सी प्रोवाइड करता है, बट वो एक जगह और यूज होता है जिसके लिए आजकल ज्यादातर बोनीफिशीज को मारा जा रहा है, समझ गए, उनकी हंटिंग उनकी कैचिंग ज्यादा हो रही है, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो ये पॉइंट यहां नोट करते हैं, एयर ब्लडर, एयर ब्लडर ऑफ बोनीफिशेज, बोनीफिशेज, बोनीफिशेज के एयर ब्लडर में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे कहा गया है इसिनग्लास, इसिनग्लास, ठीक है। और इसी केमिकल के लिए इन्हें पकड़ा और मारा जाता है, क्योंकि ये केमिकल यूज होता है, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ दारू
यानी अल्कोहल, अल्कोहल प्रोडक्ट्स दारू को प्यूरिफाई करने के काम आता है सिन ग्लास, समझ गए, जो कहां प्रेजेंट होता है बोनिफिसिस के एयर ब्लड के अंदर, और इसी कारण इन्हें मारा जा रहा है, इसी सिन ग्लास की वजह से इनको पकड़ा और मारा जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिन ग्लास मिले और ज्यादा से ज्यादा एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को प्यूरिफाई किया जाए। क्लियर है, समझ गए। तो ये एक पॉइंट है। अब एक दो स्पेशल पॉइंट और है कि फिशेज का जहां हम आर्टिफिशियल डोमेस्टिकेशन करते हैं, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उनको आर्टिफिशियल हैबिटेट देकर के पाला जाता है, उसे कहा जाता है एक्वेरियम। और लार्जेस्ट एक्वेरियम कहां है, तो लार्जेस्ट एक्वेरियम इंडिया में है तारपुर मुंबई महाराष्ट्र, तारपुर मुंबई महाराष्ट्र में है। क्लियर है। नेक्स्ट एक स्पेशल पॉइंट यही डिस्कस कर लेते हैं कि लार्जेस्ट सर्पेंटोरियम यानी वो जगह जहां सांपों को रखा जाता है, लार्जेस्ट सर्पेंटोरियम, ये इंडिया में कहां है, इंडिया का लार्जेस्ट सर्पेंटोरियम कहां है, तो ये है चेन्नई में। ठीक है, ये चेन्नई में है, समझ गए। तो लार्जेस्ट सर्पेंटोरियम, लार्जेस्ट एक्वेरियम, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इस पर, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं। तो देखो, एशियन ग्लास, लार्जेस्ट एक्वेरियम तारपुर मुंबई, और लार्जेस्ट सर्पेंटोरियम चेन्नई में है। ठीक है, यहां होते हैं पॉइंट्स खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारी एम्फीबिया क्लास पर। क्लियर है, क्लास एम्फीबिया पर चल, क्लास एम्फीबिया डिस्कस करते हैं। देखो, अब जो हमारी क्लास एम्फीबिया है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी, तो देखो अगर मैं कहूं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम्फीबियंस को, तो एम्फीबिया जो टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है, यही समझते हैं सबसे पहले। तो देखो, एम्फी और बिया दो टर्म आई है ना, ठीक है, बिया है, मिया नहीं है। एम्फी का मतलब होता है बोथ या टू या दोनों, ठीक है, बोथ। और बिया आया है बायो से, मतलब लाइफ, ठीक है, तो दोनों लाइफ। दो लाइफ का मतलब क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो वाटर और अर्थ, यानी वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकते थे, दोनों जगह लाइफ इनकी सस्टेन कर सकती थी। एम्फी बिया, एम्फी बायोस टर्म से आई है, दोनों जगह लिविंग हो जो, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है। क्लियर है, वो वर्टिब्रेटा जो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हुआ, लैंड पर आया, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके लिए इसे एक मैकेनिज्म अपनाना पड़ा। मैकेनिज्म क्या या क्या अपनाया इसने, कि इसके अंदर जो एग प्रोड्यूस होते हैं ना, वो नॉन क्लीडोइक एग प्रेजेंट, या प्रोड्यूस लिख लो मोर करेक्ट होगा, ठीक है, नॉन क्लीडोइक एग प्रोड्यूस किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मैंने यहां इसके दोनों वर्ड्स को स्पेसिफाई कर दिया। पहला टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है, वो वर्टिब्रेट जो सबसे पहले अर्थ पे आया था, लैंड पे जिसने एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया था, लैंड भूमि पे, ठीक है। पहले, इससे पहले वाले सारे वाटर एनिमल्स थे, लैंड पे नहीं थे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल नहीं थे। अब ये पहला टेरेस्ट्रियल था, बट एम्फी क्यों बोला फिर हम लोगों ने, ये क्यों कहा दोनों जगह लाइफ सस्टेन करती है इसकी, इसका रीजन था इनके अंदर एग नॉन क्लीडोइक होते हैं। नॉन क्लीडोइक एग होने का मतलब
इनके एग के ऊपर हार्ड कवरिंग, कैल्शियम के हार्ड कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वो लैंड के एनवायरनमेंट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इनको एग लेइंग के लिए यानी इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि बोथ लाइफ एम्फीबायोस हैं ये। क्लियर है, समझ गए? और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? तो देखो, एम्फीबियंस की और कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इनकी स्कल में दो ओसिपिटल कोंडाइल होगी, हमारी ही तरह। पीछे फिशेज की तरह मोनोकोंडाइलिक स्कल नहीं है इनकी, इनकी स्कल डाइकोंडाइलिक है। ठीक है, डाइकोंडाइलिक स्कल होने के कारण इनके अंदर और भी काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशलाइजेशन आती है, वो सब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कि इनके पास एक्सोस्केलेटन नहीं होता। एक्सोस्केलेटन जो स्केल्स का बना हुआ था फिशेज में, वो इनके पास नहीं होता, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। क्लियर है, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, यानी इनके पास हार्ड प्रोटेक्टिव रेजिस्ट कवरिंग जो स्केल्स की होती है वो नहीं होती। क्लियर है, नेक्स्ट इनके पास क्या होता है? नेक्स्ट इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है यूरोस्टाइल, वो प्रेजेंट है। यूरोस्टाइल प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि ये एम्फीबियंस है, इनके अंदर लिम्ब्स होते हैं। लिम्ब्स मतलब दो लिम्ब्स होते हैं, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। ठीक है, हिंड लिम्ब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, फोर लिम्ब हिंड लिम्ब में डिफरेंस क्या है? इनके फोर लिम्ब में तो चार डिजिट प्रेजेंट होती हैं, फोर डिजिट्स, डिजिट्स मतलब उंगलियां। ठीक है, चार डिजिट प्रेजेंट है, और हिंड लिम्ब में पांच डिजिटेड है इनका हिंड लिम्ब। क्लियर है, तो देखो, फोर डिजिट्स फोर लिम्ब में, पांच डिजिट्स यानी फाइव डिजिट्स हैंड लिम्ब में प्रेजेंट है। क्लियर है, ये भी इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, डिजिट्स के नंबर में डिफरेंस होना। क्लियर है, यहां तक पॉइंट नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसके बाद के पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो, हो गया, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। तो देखो, हम बात कर रहे हैं एम्फीबियंस की जो दोनों जगह एग्जिस्ट कर सकते हो, लैंड और वाटर दोनों जगह ही। ठीक है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे, इसके लिए इन्होंने एक मैकेनिज्म तो अपना लिया कि अपने लिम्ब्स डिजिटेड कर लिए। ठीक है, उंगलियां डेवलप कर ली, बट एक मैकेनिज्म नहीं अपना पाए, एग्स को क्लिडोइक नहीं कर पाए, नॉन क्लिडोइक एग रह गए, जिसकी वजह से इन्हें बार बार पानी में जाना पड़ता है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? तो देखो, और कैरेक्टरिस्टिक होगी इनके अंदर वही पॉइंट जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, थ्री चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट है। ठीक है, इस थ्री चैम्बर्ड हर्ट के कारण इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन है बट वो कंप्लीट नहीं होती, यानी मिक्स्ड टाइप के डबल सर्कुलेशन है प्रेजेंट है। क्लियर है, मिक्स्ड टाइप की कैसे? कि ओरिकल्स वेंट्रिकल्स जो चार होने चाहिए नॉर्मली, अगर डबल सर्कुलेशन कंप्लीट करनी है तो वो चार नहीं हो पाते। ठीक है, और इनके अंदर मिक्स्ड या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बन जाती है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? और अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके अंदर मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, मीजोनेफ्रिक किडनी। ठीक है, मीजोनेफ्रिक किडनी के साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है इनके अंदर? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया, जिसकी वजह से ये यूरियोटेलिक हो जाते हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। समझ रहे हो, यूरियोटेलिज्म पाया जाता है इनके अंदर, यूरिया एक्सक्रीट करने का मैकेनिज्म। और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? तो देखो,
और कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो 10 पेयर क्रेनियल नर्व होंगी इनके अंदर, 10 पेयर क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट, जो अपने अंदर 12 पेयर होती है इनके अंदर 10 पेयर होंगी, ठीक है, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगी। और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम और ज्यादा डीप में जाए, और ज्यादा डिटेल डिस्कस करें एम्फीबियंस की, तो और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इनके सिवाय क्या हो सकती है वो हम लोग देख लेते हैं। कि देखो इनके अंदर, इनके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एब्सेंट होता है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एब्सेंट होता है, तो ये एनएमनियोट्स होते हैं, एनएमनियोट्स, ठीक है, एनएमनियोट्स हैं, क्लियर है। अब यहां तक पॉइंट्स नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज कर लो और पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हम लोग बात कर रहे हैं इसके स्पेशल पॉइंट्स की, अब स्पेशल पॉइंट कितने हैं वो सारे के सारे हम लोगों को डिस्कस करने हैं, जिन पे क्वेश्चन पूछ सकती है नीट, ठीक है, नीट जिन पॉइंट्स पे क्वेश्चन बना सकती है वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, सारे पॉइंट डिस्कस करने लायक हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी आरबीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर जो आरबीसी होती है वो स्पेशल है कि वो न्यूक्लिएटेड होती है, इनके अंदर जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होती है, क्लियर है। फिर बात करें इसकी रेस्पिरेशन की, इसकी रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन परफॉर्म की जाती है वो कैसी होती है, तो हम लोग दो स्टेजेस में रेस्पिरेशन देखते हैं, एक तो लार्वल स्टेज, एक अडल्ट स्टेज, ठीक है, लार्वा में और अडल्ट में। तो देखो लार्वा में तो रेस्पिरेशन होती है गिल्स की हेल्प से, ठीक है, गिल्स की हेल्प से, और अडल्ट में रेस्पिरेशन होती है लंग्स एंड स्किन दोनों की हेल्प से, लंग्स और स्किन दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होती हैं रेस्पिरेशन में, क्लियर है, जल्दी से ये पॉइंट समझो, लार्वा में गिल्स और अडल्ट में लंग्स और स्किन दोनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह बिहेव करते हैं, दोनों ही रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इन्हें सुनाई कैसे देता है, तो इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, तो क्या इन्हें सुनाई देता ही नहीं, क्या ये साउंड के लिए रिसेप्टिव नहीं होते, एक्ट नहीं करते, करते हैं, साउंड सुनाई देता है। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं साउंड कैसे सुनाई नहीं देता, साउंड सुनाई देता है, साउंड के लिए इनके पास होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पेनम, जो सा हमारे अंदर भी देखने को मिलता है, ईयर ड्रम बोलते हैं जिसे, ये टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। टिम्पेनम की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि देखो इनका टिम्पेनम कहां होता है, इनकी आंख के पीछे की साइड होता है, एम्फीबियंस में टिम्पेनम इनकी आंख के पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये साउंड वेव्स के लिए सेंसिटिव नहीं है, एक तरह से ये मूव नहीं करता साउंड वेव्स पे, बट उनकी सेंसेस रिसीव करने वाला है, सेंस रिसीव करके माइंड को बताता है, तो साउंड के लिए सेंसिटिव तो है ये, ठीक है, एम्फीबियंस, टिम्पेनम प्रेजेंट है इनके अंदर, भले ही एक्सटर्नल ईयर ना हो, बाहर से हमें लगे कि ये बावली बूच बहरे हैं बट ये बहरे नहीं होते, सुनाई देता है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं तो वो क्या है कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल यानी मीडियम में, वाटर में फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होती है, यानी लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इनडायरेक्टली डेवलप होती है यानी लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, क्लियर है। ये स्पेशल पॉइंट्स थे, यहां तक वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है, जल्दी हो गया क्या। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं,
ये कुछ स्पेशल पॉइंट है एम्फीबियंस के, एम्फीबिया के ही कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में हैं कि इसका लार्वा और अडल्ट दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर रखते हैं रेस्पिरेशन के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। लार्वा गिल्स से और अडल्ट लंग्स और स्किन से रेस्पायर करते हैं, जो इनकी स्किन होती है रेस्पिरेशन में हेल्पफुल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कि इनकी बॉडी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, हम बात कर लेते हैं बॉडी पार्ट्स की। बॉडी पार्ट्स, इनके बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, जिस तरह से हम लोगों ने फिशेज के और उससे पहले नॉन कॉर्डेट्स के बॉडी पार्ट्स डिफाइन किए थे, इसी तरह इसका डिफाइन करते हैं। इसके बॉडी पार्ट्स हैं हेड, ठीक है, इनकी ट्रंक, समझ गए, और इनकी टेल, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड ट्रंक और टेल में डिवाइडेड है इनके बॉडी पार्ट्स, क्लियर है, समझ गए। यहाँ स्पेशल कैरेक्टर्स कंप्लीट होती हैं और हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। तो देखो एग्जांपल्स इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्फीबियंस जो हैं वैसे तो काफी सारी स्पीसीज मिलती हैं, बट अगर मैं कहूँ नंबर के हिसाब से देखें तो एम्फीबियंस सबसे कम है, ठीक है, जितनी स्पीसीज कॉर्डेट्स की है उसमें सबसे कम नंबर है एम्फीबियंस का, ठीक है, सबसे कम नंबर एम्फीबियंस का होता है। तो देखो हम लोग उनके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल में कौन कौन से मेंबर आते हैं। तो देखो एग्जाम्पल पहला है राणा, राणा मुझे माफ करने वाला, राणा टिग्रीना, राणा टिग्रीना, ठीक है, वही वाला राणा है, राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो देखो इससे क्या गलती हुई, ये कौन है राणा, तो ये इंडियन बुल फ्रॉग है, इंडियन बुल फ्रॉग, बुल भी है और फ्रॉग भी है, मतलब ये मेंढकों में सांड है, डेडर जो होते हैं ना डेडर, डेडरों का सांड है ये, इंडियन बुल फ्रॉग है, इंडियन वैसे भी सांड ही होते हैं। तो देखो इंडियन बुल फ्रॉग राणा टिग्रीना है, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है बूफो की, बूफो, बूफो जो है बूफो टोड कहलाता है और ये पॉइजनस होता है, ठीक है, पॉइजनस जहरीला होता है। बूफो जो टोड है, टोड ये एक फ्रॉग ही है एक्चुअल में, बूफो फ्रॉग है और ये जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, इसको काटने, इसके काटने से या एक्चुअल में इसको खा लेने से जहर फैल जाएगा और तुम लोग सल्ट जाओगे, ठीक है। फिर और कैरेक्टरिस्टिक या फिर और इसके मेंबर एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो देखो नेक्स्ट इसका एग्जांपल आता है सलमंडर, सलमंडर, सलमंडर इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है हाइला, ठीक है, हाइला, हाइला बोल रहा हूं, आइला नहीं, हाइला का नाम है ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग हाइला इसका भी एग्जांपल है, समझ गए, समझ रहे हो, ट्री फ्रॉग हाइला, तो हाइला, ट्री फ्रॉग, बूफो, टोड, पॉइजनस फ्रॉग, राणा माफ करने वाला, इंडियन बुल फ्रॉग, इसके एग्जांपल्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स और हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एक है अगर मैं बात करूं तो इक्थियोफिस, एग्जांपल ये हैं डिस्कस कर लेते हैं, इक्थियोफिस, इक्थियोफिस, इक्थियोफिस जो होता है ये लिम्बलेस होता है, लिम्बलेस, ठीक है। नेक्स्ट इक्थियोफिस में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एम्फीबियंस के पास एक्सोस्केलेटन स्केल्स नहीं होते जबकि इसके पास प्रेजेंट है, एक्सेप्शन है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो देखो इक्थियोफिस के अंदर स्केल्स प्रेजेंट होने के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये ब्लाइंड होता है, यानी बावली भूचंदा होता है, ठीक है, और बहरा भी होता है, ठीक है, डीफ, समझ रहे हो, ब्लाइंड एंड डीफ, बहरा भी होता है और अंधा भी होता है, ठीक है। और अगर एग्जांपल डिस्कस करें तो मैं बात करूंगा एक होता है अलाइटस, अलाइटस, अलाइटस जो है, अलाइटस को कहा जाता है मिडवाइफ टोड,
मिडवाइफ टोड स्पेशल नाम है और इसीलिए इसे पूछा जाता है, इसकी पूछताछ की जाती है, यानी क्वेश्चन बनते हैं। एक थियोफिस और एलाइटस पे क्वेश्चन है काफी बार बने हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एक थियोफिस और एलाइटस पे, क्योंकि दोनों ही स्पेशल हैं, दोनों के कॉमन नाम स्पेशल हैं, ठीक है, दोनों के कॉमन नाम स्पेशल हैं, कॉमन नेम जो है वो स्पेशल हैं और कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो एक एग्जांपल और रह गया, यही निपटा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एम्फियुमा, एम्फियुमा, एम्फियुमा बोला जाता है कोंगा ईल को, ठीक है, कोंगा ईल, जिसके अंदर लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है, सबसे बड़ी आरबीसी की साइज इसी की होती है, ठीक है, लार्जेस्ट आरबीसी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके बारे में, लार्जेस्ट आरबीसी वाले कोंगा ईल एम्फियुमा, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, राणा टिगरीना इंडियन बुलफ्रॉग, बुफो टोड पॉइजनस, सेलेमेंडर हाइला ट्री फ्रॉग, एम्फियुमा कोंगा ईल लार्जेस्ट आरबीसी वाली, इक्थियोफिस स्केल सबसेंट ब्लाइंड एंड डीफ होता है, एलाइटस मिडवाइफ टोड कहलाता है, स्पेशल नाम है, इसीलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, क्लियर है, हो गया। चलो यहां अपना एम्फीबिया फाइलम होता है खत्म, और आज इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फाइलम रेप्टिलिया पे आएंगे, इसी तरह जल्दी से ये चैप्टर सल्टा देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ते रहो, कोई डाउट हो कमेंट करो, मैसेज करो, किसी तरह से कांटेक्ट करो, पूछो, जब डाउट सेशन लगेगा तुम्हारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट में, इस चैप्टर से ही नहीं और जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो भी मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हो, समझ गए, घर रहो पढ़ते रहो सेफ रहो यही कहना है, ओके, गुड बाय।